नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं कई दिनों से चैप्टर 3 पे चल रहा था। आज एक होनहार छात्र मयंक जी की इच्छा पर मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो चैप्टर 1 का यानी कि सेट्स का है। तो मैं इसको बहुत आसान ढंग से करने की कोशिश करता हूँ, आप उसको समझें, पूरा वीडियो देखें और अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। देखिए, जो क्वेश्चन पूछा है मयंक जी ने, ये कोई बुक का तो नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है और बेसिक भी है, इससे बहुत सी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, मैं एक और क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जो मयंक जी ने भेजा है। 2 न्यूज़पेपर्स ए एंड बी आर पब्लिश्ड इन ए सिटी, यानी कि एक शहर के अंदर 2 अखबार ए और बी प्रकाशित होते हैं। इट इज़ नोन दैट 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड्स ए एंड 20% रीड्स बी, वाइल 8% रीड बोथ ए एंड बी। यानी कि जो पॉपुलेशन है ना पूरे शहर की, उसका 25% पॉपुलेशन जो है वो ए अखबार पढ़ती है, 20% पॉपुलेशन जो है वो अखबार बी पढ़ती है और 8% ऐसी पॉपुलेशन है जो ए और बी दोनों पढ़ती है। अच्छा, इसके बाद एक नई चीज़ और दी है, फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट्स। इसका मतलब ये है कि ऐसे पर्सन जो अखबार ए पढ़ते हैं पर बी नहीं पढ़ते, ए पढ़ते हैं पर बी नहीं पढ़ते, उनका 30% जो है वो केवल विज्ञापन देखता है, उनको बाकी खबरों में कोई रुचि नहीं है, ओनली एड्स वगैरह देखते हैं, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स। और 40% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट ए आल्सो लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट्स, यानी जो अखबार बी पढ़ते हैं पर ए नहीं पढ़ते, जो बी पढ़ते हैं पर ए नहीं पढ़ते, उनका 40% ऐसा है उस पॉपुलेशन का जो कि केवल एड देखता है, विज्ञापन देखता है, लोग लिखा ना लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट्स। इसके बाद एक और बात दी है, आल्सो लुक इनटू ये आ गया, वाइल 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ ए एंड बी, यानी कि ऐसे मतलब पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो ए और बी अखबार दोनों पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से 50% ऐसे हैं, देखा ना 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ ए एंड बी लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट्स, यानी वो केवल विज्ञापन देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों अखबार पढ़ने वाले कुछ बंदे हैं तो उनमें आधे तो केवल एड ही देखते हैं, ठीक है ना, ये मतलब है इसका। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट्स, यानी आप ओवरऑल वो परसेंटेज निकालो पॉपुलेशन की जिनका इंटरेस्ट केवल एड के अंदर है, विज्ञापन देखने में ही है। तो मैं थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को ब्रीफ कर देता हूँ कि ए अखबार पढ़ने वाली पॉपुलेशन है 25%, बी अखबार पढ़ने वाली पॉपुलेशन है 20%, ए और बी दोनों पढ़ने वाली ए एंड बी, जिसको अपन ए इंटरसेक्शन बी भी बोलेंगे सेट्स के अंदर, वो है 8%, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी यानी कि ए एंड बी नॉट, वो है उसको अगर आपको याद हो सेट्स आपने पढ़ी हो तो उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी नॉट, वो है 30% जो एड देखते हैं। फिर बी बट नॉट ए, यानी बी तो है, बी में तो है पर ए में नहीं है, तो उसको बोलेंगे बी इंटरसेक्शन ए नॉट, ऐसे 40% है जो एड देखते हैं। और जो ए और बी दोनों में है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, उनमें से 50% रीड न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स या लुक इनटू एड्स। ये मैंने इस क्वेश्चन को शॉर्ट किया है। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने जो सबसे आसान तरीका है वो वेन डायग्राम्स। आप जानते हैं कि अपन किसी भी सेट को एक सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ 2 सर्कल बना दिए इंटरसेक्टिंग, क्योंकि न्यूज़पेपर ए और बी दोनों पढ़ने वाले थे ना, अगर मान लो ऐसा एक भी नहीं होता जो दोनों अखबार पढ़े तो मैं इनको सर्कल अलग अलग बनाता, ए अलग बी अलग। अब देखिए, ऐसा पोर्शन
एक्चुअली ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये वाला बड़ा वाला, ये वाला, ये ए के लिए है, न्यूज़पेपर ए पढ़ने वालों के लिए। ये जो सर्कल दिख रहा है बड़ा वाला, इसका वाला, ये बी पढ़ने वाले हैं, बी न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले हैं। अभी जो कॉमन पोर्शन है जो इन दोनों में आ रहा है, उसको बोलेंगे कि ये वो हैं जो ए और बी दोनों अखबार पढ़ते हैं, इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब ये पोर्शन देखो कौन सा वाला, ये वाला, ये आप जो दिख रहा लाइनिंग वाला, इसको कहेंगे ए माइनस बी, क्योंकि ए में तो है ये पर इसमें बी शामिल है, मतलब बी का वो पोर्शन हटा दिया है जो ए में है। यानी ए का तो लेंगे लेकिन बी का नहीं लेना है, तो हमने वो जो बी का पोर्शन था ना जो ए में आया हुआ था उसको गायब कर दिया। इसी तरह से ये देखो आप, ये वाला, इसको कहेंगे बी माइनस ए, ये बी का तो है पर ए वाला पोर्शन मैंने हटा दिया, इसको बोलेंगे बी माइनस ए। और ये तो आप जानती हैं कि ए और बी दोनों कंबाइंड है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये दो तीन लाइन का है। देखिए मैंने एक और वापस थोड़ा इसको शॉर्ट या ब्रीफ कर दिया, वो उस पेज में था ना, इस पर ए 25%, बी 20%, ए इंटरसेक्शन बी 8%, ए इंटरसेक्शन बी नॉट 30%, बी इंटरसेक्शन ए नॉट 40%, ए इंटरसेक्शन बी 50%, ये वो हैं जो लुक्स इनटू एडवर्टाइजमेंट्स। तो हमें पता करना है कि टोटल कितना परसेंट है पॉपुलेशन का जो कि विज्ञापन देखता है। अब देखिए हम बहुत शॉर्ट में चलते हैं, लेट पहले शुरू करेंगे। लेट देखिए, परसेंटेज में कोई चीज़ होती है वो शुरुआत में उसको 100 मानना चाहिए। लेट पॉपुलेशन इज 100। अब 100 में से 100 तो अखबार पढ़ते नहीं। अब हमेशा जो इंटरसेक्शन हो ना, कॉमन पोर्शन, उसको पहले मार्क करना चाहिए। कॉमन कितना है 8%, 8% ऐसे हैं जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं। अब 100 का 8% क्या होगा, 8 ही होगा ना। जब हमने 100 को ही मान लिया तो 100 का 8% 8, 100 का 20% 20, 100 का 50% 50, तो 100 का 8% 8 होता है, 8 ये हो गए ए इंटरसेक्शन बी। अब ए कितना है 25%, यानी ये जो सर्कल ए है ना, इसमें 25 आना चाहिए, 25 में से 8 तो ये आ गया, कितना बचा 17, क्योंकि 25 में से 8 कम करेंगे तो 17 होगा। बी में कितने, बी कितना पड़ता है 20%, यानी कि 20, 20 में से ये 8 तो आ गया, कितना बचा 12, ये लिख दिया 12। अब अगर इनको जोड़ लें, इन सबको, इसको इसको, ये वो है जो अखबार पढ़ने वाले हैं, ये अखबार पढ़ने वाले हैं, कितने हो गए। खैर हमें इससे क्या करना है, हमें तो बस ये मतलब है कि 17 वो हैं जो ए पढ़ते हैं बी नहीं पढ़ते हैं, 12 वो हैं जो बी पढ़ते हैं ए नहीं पढ़ते, 8 वो हैं जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया। अब देखिए ये जो 17 है ना, ये 17, इसका लेना है आपको जो ए पढ़ते हैं लेकिन बी नहीं पढ़ते 30%, तो इसका लेना है 30%, इसका 30%, 17 का बी लेकिन ए नहीं, उसका 40%, इसका लेना है 40%, और ये जो पोर्शन है इसका लेना है बीच वाले का 50%। कितना हो जाएगा भाई, लॉन्सर निकाल लेते हैं। अब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट्स इज इक्वल टू 30% ऑफ 17, तो 30 अपॉन 100 इंटू 17 प्लस 40% ऑफ 12, तो 40% के वाला 40 अपॉन 100 इंटू 12, प्लस 50% ऑफ 8, तो प्लस 50/100 इंटू 8, ये हो गई भाई परसेंटेज। परसेंटेज नहीं होगी एक्चुअली, ये संख्या होगी और वो परसेंटेज बन जाएगी, क्योंकि हमने इनिशियली 100 ही माना हुआ है, इसलिए परसेंटेज बन जाएगी। तो कितना हो गया, अगर मैं 1/100 कॉमन निकाल लूँ सब में से बाहर, 1/100, कितना बचेगा 17 0 0 17 51, प्लस इसके बाद क्या बचेगा,
इसके बाद बचेगा आपके 40 12 00 1248, फिर 8 00 8 5 40। अगर मैं 510 480 और 400 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 0 0 0 0 8 और 1 9, हासिल कुछ नहीं। 4 और 4 8 और 5 13, 1390/100 परसेंटेज यानी आएगा 13.9%, एंड इट शुड बी द आंसर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको मैंने वेन डायग्राम से किया है और वेन डायग्राम बहुत सिंपल होता है, क्वेश्चन को जो कितना ही मुश्किल क्वेश्चन हो इससे बिल्कुल सिंपल बन जाता है। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।